इंडिया में एक लग्जरी सुपर कार लेने के बाद आप कभी सुखी नहीं रह सकते, ऐसा मैं इन पांच बड़ी प्रॉब्लम की वजह से बोल रहा हूँ जो एक सुपर कार ओनर को फेस करनी पड़ती है। नंबर वन, पुअर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सुपर कार की ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही ज्यादा कम होती है और ज्यादातर इंडियन रोड्स पे आपको स्पीड ब्रेकर, गड्ढे, पाथ होल्स मिल जाएंगे जिससे ये 100% डैमेज हो जाती है। नंबर टू है ट्रैफिक। सिटी में भारी ट्रैफिक की वजह से आपको सुपर कार को कम स्पीड और लो आरपीएम पे चलाना पड़ेगा जिसकी वजह से इसका इंजन खराब होने लगता है और इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस में भी फर्क पड़ता है। नंबर थ्री है पब्लिक रिएक्शन। ऑलमोस्ट 99% लोग सुपर कार को देख के एक्साइटेड हो जाते हैं और उनमें से कुछ लोग जानबूझकर या फिर फोटो खिंचाने के चक्कर में आपकी सुपर कार पर चढ़ने लगते हैं। नंबर फोर है वेदर कंडीशन। इंडिया में काफी ज्यादा गर्मी और डस्ट पड़ती है जिससे सुपर कार कई बार ओवरहीट हो जाती है और उनमें आग भी लग सकती है। नंबर फाइव, सुपर कार की लाउड साउंड की वजह से पुलिस को लगता है कि ये मॉडिफाइड है और कई बार इनको बेकार ही पुलिस से परेशान होना पड़ता है। वैसे आपके हिसाब से इंडिया में सुपर कार खरीदनी चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना।